नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाल किताब में किन लोगों को मंदिर जाने के लिए मना किया गया है, क्या कहा गया है लाल किताब में इसके बारे में कि किन लोगों को मंदिर जाना चाहिए, किन लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, किन लोगों को मंदिर जाना चाहिए, किन लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों लाल किताब में इसके बारे में पंडित जी ने बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं किन लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अगर कुंडली का खाना नंबर 8th हाउस मंदा हो और खाना नंबर 2nd हाउस खाली हो, दोस्तों कुंडली का खाना नंबर 2 ये धर्म स्थान होता है और एक तो ये कॉम्बिनेशन हो कि खाना नंबर 8 मंदा हो और खाना नंबर 2 खाली हो, या जब खाना नंबर 12 12th हाउस और खाना नंबर 8 8th हाउस दोनों ही घर में ऐसे ग्रह हों जो इकट्ठे हो जाने पर मंदे हो जाएं। और दोस्तों और कंडीशन बताइए इसमें पंडित जी ने कि अगर खाना नंबर 12 12th हाउस और खाना नंबर 8 इनमें कोई ऐसे ग्रह बैठे हों जो आपस में दुश्मन हों या एक दूसरे का असर बर्बाद कर दे, और साथ ही खाना नंबर 2 2nd हाउस खाली हो, तो ऐसी हालत में अगर कुंडली वाला धर्म मंदिर में आने जाने लगेगा तो खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 के जो दुश्मन ग्रह बैठे हैं आपस में उनका बुरा असर होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों पंडित जी ने इसमें आगे बताया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, कि ऐसा व्यक्ति अगर धर्म स्थान के अंदर जाने से परहेज करे तो खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 इनके जो आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं उनका उस कुंडली वाले पर बुरा असर नहीं होगा। और दोस्तों जब कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो मंदिर में पूजा पाठ यात्रा वगैरह के लिए जाने की बजाय मंदिर से दूरी रखना ही उस कुंडली वाले के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, वरना खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 की मंदी टक्कर होगी। इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया है पंडित जी ने कि मान लीजिए खाना नंबर 8 में बैठा है बुध, अब बुध खाना नंबर 8 में बैठता है तो मंदा असर देता है, और शनिचर बैठा है खाना नंबर 12 में, तो इसमें दोस्तों क्या है कि लड़कियों की जो आईसाइड है, जो नज़र है वो ख़राब हो जाएगी अगर उनका पिता कुंडली वाला मंदिर में जाएगा। दोस्तों बुध होती हैं लड़कियां और शनिचर को बताया गया है आईसाइड, आँखों की नज़र, तो ऐसे में क्या होगा कि जो कुंडली वाले की लड़कियां हैं उनकी जो आईसाइट है वो ख़राब हो जाएगी अगर वो मंदिर में आना जाना रेगुलर शुरू
कर देगा। तो दोस्तों, जब कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से उस कुंडली वाले को मंदिर जाने से नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में बताया पंडित जी ने कि ऐसी हालत में धर्म स्थान के अंदर मूर्ति वगैरह को अपने शरीर का कोई भी अंग लगाकर पूजा करना मना होगा। मतलब मूर्ति को टच ना करें और धर्म स्थान के अहाता से बाहर खड़े होकर, तो जो अहाता बना होता है धर्म स्थान का, उस धर्म स्थान के अहाते से बाहर खड़े होकर अपने इष्ट देव को सर झुकाकर प्रणाम कर लेने कोई बुरा ना होगा और वहीं से कुंडली वाले को अच्छे असर मिलेंगे। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि किन लोगों को मंदिर जाना चाहिए। तो इसके लिए पंडित जी ने बताया है कि जब खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 इनमें आपस में दोस्त ग्रह बैठे हो, मतलब खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 12 के ग्रह का दोस्त है, या खाना नंबर 6 में 6th हाउस में कोई उत्तम ग्रह बैठा हो, कोई भी अच्छा ग्रह बैठा हो, तो ऐसी दोनों हालतों में, ये जो दोनों कंडीशन हैं, इन दोनों कंडीशन में अगर खाना नंबर 2 खाली हो, तो पूरी कंडीशन देखनी है कि 8 नंबर और 12 नंबर में आपस में दोस्त ग्रह बैठे हैं या खाना नंबर 6 में कोई उत्तम ग्रह बैठा है, और दोनों ही हालतों में खाना नंबर 2 खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान के अंदर मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव को, जो भी उसका इष्ट है जिसको वो मानता है, अपने इष्ट देव को अपने शरीर का कोई ना कोई अंग लगाकर, मतलब मूर्ति को टच करके प्रणाम करना सब तरह से नेक असर देगा। मतलब जब वो कुंडली वाला मंदिर में जाए तो जो भी उसके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति को टच करें, और टच करेगा तो उससे उसको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, उसके लिए बहुत ही नेक होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से लाल किताब में पंडित जी ने बताया है कि किस व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए और किस व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।